गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ सोलर स्प्लिट एंड आईएमसी। बट बिफोर दैट टेल यू समथिंग अबाउट आईएमसी। व्हाट इज आईएमसी? हु फॉर्मेड आईएमसी? व्हेन इट वाज फॉर्मेड? राइट। As you know that A. O. Hume, he was the founder of INC, means Indian National Congress. And the first president of Indian National Congress was? Who was the first president of Indian National Congress? President. Right? So after that, we will discuss about who was the first president, Muslim president of INC, right? Can you tell me who was? It was Badruddin Taibbi, right? Yes. So now we will discuss first female president of INC, right? So, who was? Can you guess? First female president of INC. No. Who's that? Annie Besant, right? Yes, sir. So now I'm going to. First, I'm going to tell you first Indian origin president of INC. She was the first president of INC, but now I'm going to tell you first origin president of INC. It was Sarojini Naidu. Now we'll discuss about solar split. What is solar split? Why it happened? What are the reasons? As we know that Congress was divided into two parts, or two groups, that is moderate and extremist. Moderate leaders such as S.M. Banerjee, means Surendranath Banerjee, go for. And extremist leader, such as Lal Par, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? लाल मीन्स लाल अलग पर राय पार ऊपर चंद्र पार और बार बार का कलर, ठीक है? ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे और ये मॉडरेट के कुछ लीडर थे, ठीक है? तो मॉडरेट ये जो कांग्रेस में क्या, कांग्रेस दो गुटों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है? एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। मॉडरेट का कहना ये था कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज लाएंगे वो क्या करेंगे, ग्रेजुअल तरीके से, आराम से, ठीक है? और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये क्या करते, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये ब्रिटिशर पर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये चाहते थे जो ब्रिटिशर है वो क्या करेंगे, वो हमें, उन्होंने आज तक हमसे हमारे साथ इनजस्टिस किया है, इसलिए हम इनके साथ बिलीव नहीं करते हैं और ना ही हमको कोई इनको मतलब टाइम देना चाहते हैं। इसलिए जो ये क्या, जो मॉडरेट है वो मॉडरेट का कहने का तरीका यही था कि जो हम अपनी डिमांड्स जो है वो ब्रिटिशर से मनवा सकते हैं अगर हम पूरे तरीके से क्या प्रॉपर इनको क्या करेंगे, फिगर आउट करेंगे वो डिमांड, अगर हम कामयाब होते हैं ये डिमांड अपनी कन्वेंस कराने में ब्रिटिशर से, तो ये हमें पूरा उम्मीद है कि ये हमारी डिमांड को फुलफिल करेंगे। लेकिन ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सट्रीमिस्ट, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट कि जो ब्रिटिशर है ये इसी तरीके से हमें क्या करेंगे, गुमराह करेंगे और हमारी डिमांड्स को ये पूरा नहीं करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है अभी, तो हमें क्या करना चाहिए, एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है? मतलब प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट तरीके से, ये वायलेंटली हो गए, वायलेंटली जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये काफी वायलेंट तरीके थे, मतलब वार्म हार्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये कोल्ड हार्टेड थे थोड़े, जहां तक मॉडरेट की बात है, ठीक है? तो मॉडरेट का कहने का मतलब था ये, इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमने ब्रिटिशर को क्या किया, ब्रिटिशर ने हमें एक मिंटो मोली रिफॉर्म एक्ट जो है उसका विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए इसमें जो प्रोविंशियल और जो एम्पिरिकल लेजिस्लेचर सीट्स होती है उनको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे ये इस बात से बिलीव नहीं करते थे, इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि आप क्या हो, सेल्फिश हो, ठीक है?
ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक ही चीज है जो है सेल्फ रूल, ठीक है, हम हुकूमत करेंगे, हम किसी के अंडर नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ये क्यों हुआ, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल में पार्टीशन बंगाल के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो जो पार्टीशन बंगाल हुई थी उसके बाद हमने स्वदेशी मूवमेंट और बाइकर मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, यही मेन कारण है, यही मेन रीजन है इसकी सूरत स्प्लिट की, क्यों, इसलिए क्योंकि ये हमारे देश में उस समय क्या था, एक उग्र प्रदर्शन हो रहा था किसके खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, ठीक है, हम और जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, ताकि उन्होंने जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट उनकी जो भी चीजें थी हार्न बोर्ड वगैरह सारे उनको जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर क्या हो, यहाँ से मतलब उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो, तो इसलिए वो ब्रिटिशर को कमजोर करना चाहते थे। तो 1907 में क्या होता है, इसके बाद 1906 का एक सेक्शन बनाया जाता है, सेक्शन होता है सेक्शन, जिसमें जो कौन होते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, जब दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट बनते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इसमें काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं, द मॉडरेट के जो लीडर होते हैं दादा भाई नेहरू उनपे, कि आप क्या करो, आप जो है जो हमारी ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो जो हमारा रूल है, ठीक है, उसको आप क्या करो इम्प्लीमेंट कराओ, ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मॉडरेट पे ये जो करने में क्या होते हैं कामयाब हो जाते हैं, और जो ये दादा भाई नेहरू जी जो है उस बात को आकर एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो गोल है वो भी सेल्फ गवर्नमेंट का ही होगा, ठीक है, पब्लिक इंडिपेंडेंस का। लेकिन 1907 में जब सूरत का सेशन होता है, ठीक है, उस सूरत के सेशन में जो है जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से एक्सट्रीमिस्ट का एक लीडर जो वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने, बट लेकिन जो ये मॉडरेट है काफी चलाकी करते हैं, वो उस जो राज बिहारी बोस होते हैं इसको IHC का प्रेसिडेंट बना लेते हैं, ठीक है, वो इस जो एक्सट्रीमिस्ट का लीडर था उसको उन्होंने नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो चाहते थे जो एक्सट्रीमिस्ट है वो अपनी डिमांड जो है ब्रिटिशर के सामने रखेंगे, ठीक है, फोर्सफुली तरीके से रखेंगे, वायलेंट तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये मानने वाले नहीं, ये क्या है थोड़े वायलेंट लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर ने जो हमसे वादा किया जो मिंटम वाली रिफॉर्म है उसमें जो हमें सीट्स वगैरह हमारी जो रिजर्व सीट है, ठीक है, और प्रोवेंशल सीट है उनको बढ़ाएंगे, तो ये जो है हमारे बनाए काम को क्या करेंगे खराब कर देंगे, तो इसके बाद वो नहीं बना इसको, मतलब ये जो मॉडरेट होते हैं ये नहीं बनाते, इसके आगे जो शुरू हो जाता है सारा मॉडल ये सूरत स्प्लिट का सेशन। जब 1907 में ये सेशन चल रहा होता है तो उस बीच जो मॉडरेट के एक्सट्रीमिस्ट के कुछ लीडर जो है ये उठ जाते हैं कुछ बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, लेकिन जो मॉडरेट जो होते हैं उनको बोलने से मना करते हैं, बोले नहीं देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है इनको काफी गुस्सा चढ़ता है, तो आपस में लड़ झगड़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर मतलब एक दूसरे में जूते वगैरह फेंकना शुरू कर देते हैं, तो इस बीच पुलिस वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं जो इनको क्या करते हैं इसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से काफी चलाकी करने के बाद मॉडरेट ने क्या किया, एक सीक्रेट सेशन बुलाया किसका, INC का, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक्सट्रीमिस्ट को क्या बाहर कर देंगे, ठीक है, अपनी पार्टी को बाहर कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये बाहर हो जाते हैं, ठीक है, कौन बाहर हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो भी लीडर थे, ठीक है, लाल पाल को जो मैंने आपको बताया, तो उसके बाद क्या होता है कि बाहर होने के बाद ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं, अपने आपको रिटायर कर लेते हैं, कुछ लोग जो है मतलब लंदन चले जाते हैं, जैसे हम बात करें सूर्यनाथ बनर्जी की, ठीक है, वो चले जाते हैं लंदन से होकर USA वगैरह चले जाते हैं, तो इस तरीके से जो सूरज स्प्रेड खत्म हो जाता है। थैंक यू।